अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों पर सलामती हो, आप लोगों के जानवर पर सलामती हो। आप लोग ठीक रहें, आप लोगों के जानवर ठीक रहें। तो प्लैनेट ऑफ एनिमल्स के ऊपर आप लोगों का वेलकम, और जो उनसे भाई नए आए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है इनकी डाइट। इनको मतलब आम खाने पर, मतलब एक तो इनका दिन का जो रूटीन का खाना है वो क्या होना चाहिए, और एक डाइट दूसरी है जो डाइट के ऊपर कल आएगा, रूटीन का इनका खाना या इनको जो डेली इनको क्या देना चाहिए, डेली इनकी मतलब डेली खुराक क्या है। तो आज इसके ऊपर बात होगी, और इनकी सारी जो खुराक और ये सारे इनको जो आप मतलब जो इनके बाजरा है इस तरह उसमें क्या मिक्स करके देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो उनसे पहली बात है, जो मेरे भाई देख रहे हैं वीडियो, पहली बात आप रोज़ाना इनका पानी चेंज करें। रोज़ाना सुबह जब आप मतलब इनका कपड़ा उठाते हैं या इनके पास इनके कमरे हैं जिस रूम में रखे हैं जहाँ पे भी हैं इनके पास जाएं तो इनका पानी चेंज कर दें, पानी वाले बर्तन जो उनसे हैं। और पानी और खाना हर टाइम ना रखें इनके पास, थोड़ी देर के लिए आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट रखें सुबह, दोपहर का एक टाइम रख लें उस टाइम रखें, और एक रात को जब बंद करने लगे उस टाइम कोई आधा घंटा रहने दें इनके पास। इनको भी पता हो कि हमें टाइम वाइज खाना मिलना है, इससे खाना भी नहीं ज़ाया होता, इनकी डाइट भी बनी रहती है। और सुबह के टाइम आप कोई और खाना दे सकते हैं, दोपहर के टाइम कोई और, रात के टाइम कोई और बीच में आप इन्हें सॉफ्ट फूड भी दे सकते हैं। सुबह के टाइम अक्सर लोग इन्हें ब्रीडर जो होते हैं वो सॉफ्ट फूड देते हैं, तो इससे ये कि आप सुबह के टाइम इनको सॉफ्ट फूड दें और जब खा लें तो डालें वहाँ से 15-20 मिनट बाद, और दोपहर के टाइम आपको जो उनसे आम रूटीन वाला इनका बाजरा होता है वो दें, तो उसके बाद जब 15-20 मिनट पड़े रहें दें खा लें तो आप हटा लें। और जब दोपहर शाम के टाइम, शाम से मेरा मुराद है रात के टाइम, ज़्यादा भी लेट नहीं 9-10 बजे, क्या आप अपने मतलब जॉब्स आवर या रूटीन है इस तरह तो आप या इस कोई मतलब दूसरे मसरूफियत है तो 9-10 बजे इंसान खाना खाता है तो उस टाइम आप बंद करें। इससे मुराद है कि 5 बजे मैक्सिमम 5 बजे, हद से हद 6 बजे या 4, 5, 6, ये जो से 3 है इसके बीच में शाम का इनका दोपहर का खाना इन्हें दे के इनको बंद कर दें और हटा लें खाना, और फिर सुबह दोबारा इन्हें नया खाना दें। और जो सुबह सुबह का टाइम होता है अर्ली, फजर के बाद कह लें, फजर के टाइम अक्सर परिंदे जो से परिंदे फजर के टाइम से पहले या फजर के टाइम उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। तो मैं आज इनका दिखाता हूँ, ये देखें मैं इनके मैं तो फिलहाल अभी मैं भी कल से ये जो आपके साथ डाइट मैंने सारा आपको बताया ये मैं भी कल से करूँगा, और ये मैं वैसे दिखा रहा हूँ। पानी इनका हर टाइम साफ होना चाहिए, इनके ये सारा जो खुराक है ये भी मैंने अभी कल बदली है, और ये हर टाइम वैसे इनके पास नहीं चाहिए, मैं इनको हर टाइम दे रहा हूँ, तो कल से इंशाल्लाह मैं चेंज करूँगा। और हाँ, इन्हें मैं सॉफ्ट फूड रोज़ाना दे रहा हूँ, कोई जो भी फल आता है घर में, चाहे माल्टे हों, आजकल माल्टों का सीज़न आया हुआ तो सेब हों, ठीक है वो देने हैं। और वैसे मैं आम रूटीन का खाना आपके साथ शेयर करता हूँ क्या होना चाहिए। तो ये देखें आप रूटीन का खाना, मतलब मूंगफली हो, दिन में आप कम से कम इन्हें 2 मूंगफलियाँ दे लें, जितने मतलब पैरेट हैं 2 से 3 मूंगफलियाँ दे लें, 4 दे लें कम से कम। बाकी जो आम ये होता है अपना, ये देखें जो सा आपको साफ अंदर नज़र आ रहा है, ये सूरजमक्खी के बीज हैं, लाल कंगनी है, बाजरा है, गंदम के सिक्के हैं, ठीक है सारा अंदर ये आपको जो मकई है, मकई तो फिलहाल नहीं है इसमें, मकई भी होनी चाहिए ठीक है, मकई जो सी ये पूरी मकई भी हो, मकई का दलिया भी मिल जाता है मतलब टूटी वो आप डालें इन्हें। जो मैं अभी मेरा दाना ख़त्म होने वाला है तो मैं नेक्स्ट डाइट इनकी खुद बनाऊंगा, बना बनाया इनका दाना मिल जाता है जो वो मेरे इलाके से 300 रुपये का किलो, 350 रुपये किलो मिल रहा है, मैं खुद लाता हूँ चीज़ें और ख़ुद सारे इनका मैं करता हूँ। तो कल या परसों जब भी इंशाल्लाह मैं लाऊंगा तो आपके सामने सारा मैं खुद डाइट बनाऊंगा। ये जो सी आम जो उनसे सब ऑस्ट्रेलियन तोते डाइट नहीं लेते, इन्हें कहें ऑस्ट्रेलियन तोतों वाला इनसे ले लें, उसमें सूरजमक्खी के बीज आप कुछ एक्स्ट्रा डलवा लें 10 रुपये के, और जो बड़े होते हैं बड़े सूरजमक्खी के बीज वो भी आप एक्स्ट्रा डलवा लें कुछ 10-20 रुपये के, और मूँगफलियाँ खुद के 30 रुपये की ले लें, 50 रुपये ठीक है मतलब दाने की जिस क्वान्टिटी किलो ले रहे हैं 2 किलो उस लिहाज से आप मूँगफली ले लें और ख़ुद मिक्स कर लें, मिक्स करके इनको दाना दें। तो ये आप दाना देख रहे हैं सारा। अच्छा जी, चने भी मैंने बीच में चने भी मिक्स करके इन्हें दिए हुए हैं, चने जो से अपने होते हैं घर के, ठीक है चने भी इसमें मैंने बीच में डाले हुए हैं, और मूंगफली भी दें, मूंगफली ज़्यादा नहीं देनी, मूंगफली की तादाद मतलब क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी,
और इनके जो है सूरजमुखी के बीज दें सर्दियों के मौसम में, और सॉफ्ट फूड लाजमी दें, और सब्ज़ मिर्च मतलब शिमला मिर्च हो जाए, और यहाँ अपनी जो घर की रवायती सालन वाली मिर्चें हैं वो आप इन्हें ज़रूर दें, शिमला मिर्च या सब्ज़ मिर्च। तो इंशाल्लाह कल आप मैंने जब बनाऊंगा इनका खाना और डाइट प्लान आपके साथ, मैंने वैसे एक छोटा सा शेयर किया कि सुबह के टाइम दोपहर के टाइम और क्या होना चाहिए, तो वो मैं जब खुद करूंगा इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह आपके कल की वीडियो बर्जिस के ऊपर होगी, थोड़ा सा रिंग नेक के ऊपर से भी थोड़ा सा दूसरी तरफ जाना चाहिए, दूसरे भाइयों का दूसरा शौक भी दिखाना चाहिए, उनके यहाँ का दूसरों का भी दूसरी चीज़ में भी इंटरेस्ट होता है, यहाँ अक्सर भाइयों का ये काफ़ी सारी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो बजट के ऊपर आएगा उन्हें सर्दी से कैसे कवर करें, इनका भी मैं आपको बताऊंगा। इनके केज के साथ में अभी एक कुछ दिनों तक जब मैंने हैंग करना है तो एक मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगा कि प्रॉपर कल की एक वीडियो आई थी कि कैसे कवर करते हैं, वो एक मामूली थी वो भी, लेकिन सही तरीके से कवर नहीं था अभी इनका केज। तो जब मैं इनको प्रॉपर कवर करूंगा आपको सारा दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप चैनल को विज़िट करते रहें और इस मुझे दुआओं में याद रखें। और जी हाँ, हमारे कुछ अर्से तक एक ब्लॉग और एक वेबसाइट लॉन्च होने वाली है जिसका नाम डिस्कवर एनिमल है, जिसके ऊपर काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ बर्ड्स, एनिमल्स, डॉग्स, मैमल्स मतलब यूँ रेप्टाइल्स वगैरह, उनकी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, प्रॉपर गाइड, डाइट, लाइफ स्पैन सारा उनका, मतलब कितने अर्से तक रहते हैं, उनकी क्या खाने की क्या तादाद होनी चाहिए, उनकी पूरी मतलब बीमारियों के बारे में प्रॉपर एक गाइड आने वाली है वेबसाइट के ऊपर। तो आप जब लॉन्च होगी इंशाल्लाह इसके ऊपर लिंक आया करेगा। चलें, अल्लाह हाफिज़, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।